दोस्तों आप लोगों को याद ही होगा कि 17 फरवरी को यशराज फिल्म्स ने अपना पहला इंस्टॉलमेंट हम लोगों के सामने ये बताते हुए रख दिया था कि भाई इस साल हमारी तरफ से आने वाली 5 फिल्मों का नाम ये है। यानी कि उस दिन जो सूची हम लोगों के सामने रखी गई यशराज फिल्म्स की तरफ से, तो भैया उसमें इन इन फिल्मों का नाम था। यानी कि हमें यह बताया गया था कि 19 मार्च को संदीप और पिंकी फरार रिलीज होगी सिनेमाघर में, उसके बाद में 23 अप्रैल को बंटी और बबली 2 रिलीज होगी सिनेमाघर में, उसके बाद 25 जून को शमशेरा की एंट्री होगी बॉक्स ऑफिस पर, उसके बाद 27 अगस्त को जयेश भाई जोरदार भी एंट्री मार लेंगे बॉक्स ऑफिस पर, और भाई उसके बाद में 5 नवंबर को वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आएगी जिसका इंतजार दर्शक 2020 से कर रहे हैं। यानी कि भैया खिलाड़ी कुमार की आने वाली मच अवेटेड फिल्म यानी कि पृथ्वीराज चौहान। तो दोस्तों जब इन फिल्मों का नाम हम लोगों के सामने आया था तो भैया उसी वक्त लोगों के दिमाग में ये सवाल उठने लगा था कि भाई इस लिस्ट में किंग खान की आने वाली अगली फिल्म यानी कि पठान का नाम क्यों नहीं है। तो दोस्तों आज बॉलीवुड की गलियारों से बहुत बड़ी खबर निकल के आई है कि भाई यशराज फिल्म्स बहुत जल्दी ही अपना दूसरा इंस्टॉलमेंट हम लोगों के सामने रखने वाली है, ये बताते हुए कि भाई टाइगर 3 और पठान कब रिलीज होगी सिनेमाघर में। तो दोस्तों क्या है ये खबर, चलिए मैं आपको बताता हूं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपके लिए लेकर आया हूं और एक खास रिपोर्ट जो जुड़ी हुई है बॉलीवुड की आने वाली उन फिल्मों से जिसे प्रोड्यूस कर रही है यशराज फिल्म्स। तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया भैया कि पहले इंस्टॉलमेंट में हमें यह जानकारी आ चुकी है कि भाई अर्जुन कपूर, उसके बाद में सैफ अली खान, संजय दत्त, रणबीर कपूर, रणबीर सिंह और अक्षय कुमार की आने वाली फिल्में कौन कौन से दिन पर रिलीज होगी सिनेमाघर में। अब इसके बाद में जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट हम लोगों के सामने आएगा तो उसमें यह बात बताई जाएगी कि भाई सलमान खान और कैटरीना कैफ की आने वाली मच अवेटेड फिल्म यानी कि टाइगर 3 कब रिलीज होगी सिनेमाघर में। उसके बाद हम लोगों के सामने ये जानकारी भी रख दी जाएगी कि भैया सेकेंड इंस्टॉलमेंट में शाहरुख खान, जॉन अब्राहम और दीपिका पादुकोण की फिल्म यानी कि पठान कब रिलीज होगी। और दोस्तों इसी इंस्टॉलमेंट में ये बात भी हमें बताई जाएगी कि भैया विजय कृष्ण आचार्य के डायरेक्शन में बन रही फिल्म यानी कि जिसमें नजर आने वाली मानुषी छिल्लर और विकी कौशल, भैया ये फिल्म सिनेमाघर में कब आएगी। उसी के साथ ही इस इंस्टॉलमेंट में हमें यह बात भी पता चल जाएगी कि भैया आमिर खान के बेटे जिस फिल्म से डेब्यू करने वाले हैं, जिसे डायरेक्ट करने वाले हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा, भाई वो फिल्म कब रिलीज होगी सिनेमाघर में। और अंत में भाई उस फिल्म की भी जानकारी हमें इसी इंस्टॉलमेंट में मिलेगी कि भाई अजय देवगन और आहान पांडे की फिल्म कब रिलीज होगी सिनेमाघर में। यानी कि अजय देवगन को लेकर यह जानकारी तो हम लोगों के सामने आ गई है कि भैया यशराज फिल्म्स एक सुपर हीरो की कहानी लेकर आने वाली है सिनेमाघर में, जिसमें अजय देवगन सुपर विलेन के किरदार में नजर आएंगे और इस फिल्म में आहान पांडे एक सुपर हीरो के तौर पर नजर आएंगे। यानी कि बहुत जल्दी ही यशराज फिल्म्स की तरफ से सेकंड इंस्टॉलमेंट की घोषणा की जाएगी जिसमें शाहरुख, सलमान, अजय की आने वाली फिल्मों की घोषणा कर दी जाएगी। तो दोस्तों आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि यशराज फिल्म्स की तरफ से जो सेकंड इंस्टॉलमेंट हम लोगों के सामने रखा जा रहा है उसमें से आपको क्या लगता है, क्या पठान इस लिस्ट में शामिल होगी कि भैया यह फिल्म 2021 में रिलीज हो रही है। अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वर्ल्ड न्यूज जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।